तो दोस्तों आपके सामने अभी सेकंड लाइन ऐप में साइन अप से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई एरर आ रहा है, कोई एक्यूरेट बता रहा है या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था कैसे सेकंड लाइन ऐप को हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे इससे हम अकाउंट बना सकते हैं। उसमें एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि ये साइन अप से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, इस पर भी आप एक वीडियो बनाओ। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपना ईमेल जो भी आप डालते हो, ठीक है ना, यहाँ पर आप पासवर्ड डालते हो। यहाँ पर दोस्तों कंपलसरी नहीं है कि आप अपना प्रोफेशनल ईमेल ही डालें, यहाँ पर आप मनगढ़ंत कोई भी बना करके ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हो। तो जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं यहाँ पर इस प्रकार का कोई ओके उड़ा रहा है, किसी प्रकार का कोई एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको सिंपली करना क्या है, अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर जाना है। देखो मैं सेटिंग ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद में जो एप्लीकेशन हो सकता है आपका फ़ोन कोई वीवो का, ओप्पो का, दूसरा हो, कोई भी एक्स वाई जेड, तो उसमें आपको ऐप मैनेजर को ओपन कर लेना है, ठीक है ना। वहाँ पे आने के बाद में ऐप मैनेजर में आपको सेकंड लाइन ऐप मिलेगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज का, आप ढूंढ लेना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको जो डाटा दिख रहा है नीचे क्लियर डाटा पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपको वापस से अपने एप्लीकेशन के अंदर आना है, इसको ओपन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आपकी आईडी बनी हुई नहीं शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी ईमेल है वो बना कर डाल देना है, ठीक है ना। और नीचे आपको पासवर्ड आपका जो भी है वो बना कर डाल देना है और साइन अप पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपका अकाउंट है वो बनकर रेडी हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर फिर भी दोस्तों कम चांस है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर से करूंगा, ठीक है ना। आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दोस्तों। और भी इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प आना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।